गाइस गुड मॉर्निंग, आज है बुधवार। यस, तो मुझे देखकर डर मत जाना क्योंकि इतना ज्यादा मेकअप करके मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने एक मेकअप वीडियो शूट किया है। मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मेकअप वीडियो शूट भी नहीं हुआ था एंड मेरा जो मूड था वो भी बहुत डाउन था, तो मैंने जब भी मेरा मूड डाउन होता है तो दो चीज मेरा मूड को सडनली ठीक कर देता है, वो है मेकअप या फिर स्किन केयर एंड खाना। तो आज बारिश का मारिश हो रहा है बाहर, तो अभी मैं बनाऊंगी नूडल्स। एंड नूडल्स मेरी मम्मी ना कृष्ण भक्त है पता है, एंड वो ऑनियन गार्लिक उसके साथ बहुत सारा चीज़ प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन उसके साथ साथ ऑनियन गार्लिक भी मम्मी नहीं खाते, तो इसलिए नूडल्स जो बनाते हैं हम प्योर वेज में बनाते हैं, तो सिर्फ सब्जी डाल के एंड टोमेटो जो है नॉर्मल टोमेटो है उससे मैं सॉस बनाती हूँ एंड प्रिपेयर करती हूँ। तो ऐसे ही मैं बनाऊंगी अभी जो क्या बोलते हैं इसे नूडल्स को वैसे ही मैं प्रिपेयर करूंगी अभी। एंड उसके बाद आज हम लंच में खाएंगे क्या पता है, खिचड़ी। बारिश का मौसम है तो खिचड़ी तो बनता ही है, खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी सब सब्जी डाल के खिचड़ी एंड उसके साथ थोड़ा सा फ्राई व्राई कुछ होगा, एकदम मजा आ जाएगा। बारिश के मौसम में खिचड़ी जो है मस्त लगता है। तो चलिए फर्स्ट नूडल्स बना लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है वाइट ऑयल, इसके बाद मैं सारे सब्जी जो है इसमें डाल दूंगी। ऑयल जो है गर्म हो गया है। सब्जी में मैंने ऐड किया है पत्ता गोभी, फूल गोभी, उसके साथ आलू, बीन्स, तो ये बहुत सारे सब्जी है। मम्मी गाजर नहीं खाती तो इसीलिए गाजर नहीं डाली हूँ। एंड ये जो देसी चाउमीन बन रहा है तो इसीलिए सारे सब्जी, आलू भी ऐड कर सकते हो। चाइनीज़ में हम जनरली आलू को ऐड नहीं करते, फूल गोभी को ऐड नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड किया है। तो सब्जी को मैं थोड़ी देर तक सॉटे करूँगी एंड थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी ताकि ये जो सब्जियाँ हैं जल्दी से पक जाए। एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। आप सोच रहे होंगे चाइनीज़ का 12 बजा चुका हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, ये देसी चाउमीन है, देसी टाइप की चाउमीन है, तो इसीलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ, नहीं तो फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ऑनियन भी नहीं है, अदर्स कुछ एग वेग कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये जो फ्लेवर है टर्मरिक का फ्लेवर, रेड चिली का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करके देखना। तो सब्जी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको मैंने उठा कर रख दिया है। अभी इसमें डालूंगी मूंगफली को फ्राई करूंगी एंड मूंगफली देसी चाउमीन के साथ बहुत अच्छे से जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मूंगफली भी अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसको मैं अलग से उठा के रख दूंगी। तो बचे हुए तेल में मैं दो बड़ा साइज का टमाटर ऐड करूंगी एंड उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक ताकि जो टमाटर है अच्छे से पिघल के गल जाए। तो आप चाहे तो अगर इसमें टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं एंड टमाटर जब हल्की सी नरम हो जाएगा तो तब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चीनी, क्योंकि सॉस हम इसमें डाल नहीं सकते क्योंकि सॉस में भी स्पाइसेस है, ऑनियन गार्लिक है, तो इसको टमाटर को भी मैं थोड़ा सा नमक चीनी डाल के सॉस जैसा बना रही हूँ। एंड टमाटर जब अच्छे से पक जाएगा तब इस पर मैं थोड़ी थोड़ी करके नूडल्स जो है डाल दूंगी। अगर ज़्यादा नूडल्स एक साथ डालेंगे तो मिक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो एक एक करके थोड़ी थोड़ी डाल दूंगी, मिक्स करूँगी, उसके बाद थोड़ी और डालूंगी। तो टमाटर के साथ नूडल्स को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी सारे मूंगफली एंड सब्जी जो मैंने फ्राई करके रखी थी। तो इसके बाद मैंने इसमें नमक चीनी ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर तक और फ्राई करूंगी एंड नूडल्स जो है मेरा रेडी हो जाएगा। तो हो गया है मेरा नूडल्स रेडी, अब मैं इसे खाऊंगी। ये सो मम्मी अभी नूडल्स खा रही है, क्या बना चे। सो मैं मेरी नूडल्स में थोड़ा सा और सॉस ऐड कर दिया हूँ क्योंकि खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एंड इसके साथ पता है मैं आज क्या खाऊंगी, मेरा दिमाग जो है ख़राब हो गया है, मैं आज नूडल्स के साथ खाऊंगी ठंडा मतलब कोका कोला। तो इस बारिश के मौसम में गरम गरम नूडल्स के साथ ठंडा ठंडा कोका कोला तो बहुत ही जम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खाना। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बेबी की लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं बेबी के लिए आज खिचड़ी बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे मसूर दाल एंड चावल एक साथ ले लिया है, तो इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं सारे सब्जियाँ जो है इसमें ऐड कर दूँगी, बहुत सारे सब्जियाँ हैं इसमें, परवल है, पम्पकिन है, स्वीट पोटैटो है, आलू है, बीन्स है, सब कुछ है, तो इसमें मैं डाल दूंगी एंड इसके बाद मैं ऐड कर लूँगी पानी। मेरी बेबी को थोड़ा सा पतला चीज़ें पसंद है, पतला खिचड़ी, पतला राइस, पतला दाल, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा पानी का अमाउंट दे रही हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एंड नमक एंड चीनी। तो नमक यहाँ पे मैंने कम डाली है क्योंकि इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी बटर।
एंड इसके बाद मैं इसको बर्न करके फ्लेम में चढ़ा दूंगी। सो बेबी का खिचड़ी भी तैयार है एंड अभी मैं फेस पैक लगा के बैठी हुई हूँ सिंहासन में। बेबी का सिंहासन है ये, तो सिंहासन में बैठी हुई हूँ एंड इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। ये जब सूख जाएगा अच्छे से तभी मैं नहाने जाऊंगी। एंड अभी बज रहा है 7:15। ओह माय गॉड, ये घड़ी खराब है इसीलिए, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। बैटरी डाउन है, बैटरी लगाने से फिर से दौड़ने लगेगा। तो आज का जो मौसम है, ये क्या मौसम आया है, ऐसे वाला मौसम है आज। आज हम खिचड़ी खाएंगे, उसके साथ क्या क्या खाएंगे आपको दिखाएंगे। एंड आज सुबह से सिर्फ खाती जा रही हूँ। ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी क्योंकि बेबी अभी सो रही है, इस बीच में जल्दी से नहा के आ जाऊंगी। ओके, नहीं तो एक बार अगर उठ जाएगी ना तभी करके मेरी दिमाग खा जाएगी सच में। जल्दी से मैं नहा के आ जाती हूँ। ये सिंहासन छोड़ के उठने का मन ही नहीं कर रहा यार, कितना आरामदायक है। साइंस आयाली। सो मैंने नहा लिया है, अभी बज रहा है 1। ओके, बेबी भी उठ गई है, उसको लंच करवा दिया है, तो इसके बाद हम लंच करेंगे। पापा मम्मी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, लेकिन इतनी जल्दी मुझे भूख नहीं लगता है, तो बाद में मैं खाती हूँ, तो इसलिए हम एक साथ नहीं खा पाते। तो मैं आप सभी को दिखा नहीं पाते कि हम एक साथ खा रहे हैं, तो पापा मम्मी जल्दी से खा लेते हैं, अराउंड 12:30 से 1 के बीच में वो खा लेते हैं। एंड मैं खाऊंगी अराउंड 1:30 बजे। उसको मेरी स्टैंड से बहुत ज़्यादा प्यार है, कैमरा स्टैंड से। वो हमेशा उसको लेके ही खेलते हैं। नोदी तुम्हें खेचो, भातू खेचो ना 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 नोदी, दोल 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 दोल। सो ये रहा हमारा लंच, ये है फ्राइड बैंगन, ये है फ्राइड परवल, यह है फूल गोभी एंड उसके साथ एक मछली फ्राई, एंड इसमें मैंने थोड़ी सी घी एंड ग्रीन चिली ले लिया है। करने के बाद थोड़ा सा सो गए थे, अभी बज रहा है 6, तो अभी हम दोनों निकल रहे हैं बाहर। थोड़ा सा काम है, एक अंकल के घर जाना है, तो इसलिए हम रेडी होके जा रहे हैं। एंड हमारे पीछे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सा किटन है, ये उसके एक बच्चे भी है जो अंदर चला गया है अभी। तो पापा आ गए हैं बाइक लेके, तो हम दोनों निकलते हैं, हम तीनों निकलते हैं सारी।